उधर शरखपुर के तंदूर मालिकान ने तंदूर बंद कर दिए हैं। हुकूमत से गंदम, एलपीजी और बिजली सस्ती करने समय जुर्माने और मुकदमात खत्म करने का मुतालबा किया है। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे तहम आसिफ अली रखवी। जी, शरखपुर के जो तंदूर मालकान ने उन्होंने पंजाब हुकूमत के रोटी सस्ता करने के फैसले के ख़िलाफ़ हड़ताल कर दिया है। तमाम दुकानें बंद कर दी हैं और सरापा एहतजाज है। आए जानते हैं इन तंदूर मालकान से उनके क्या मुतालबात हैं। मैदा सस्ता सानू दिता जाए, गैस सस्ती दी जाए, बिजली के बिल ने दुकाना किराए दियां ने, जनाब एडी महंगाई दे विच जो ये कह रही गौरमेंट नान का रेट जो 20 रुपये निकला ना वो साडे कोल नहीं दिता जा रहा। साडे कोल नान 25 रुपये का तकरीबन 2-2.5 साल तो है, तो हुण बोरी का रेट सिर्फ 1000 रुपये घटिया। साडे कोल नान का 5 रुपये रेट घट मंगया जा रहा। तंदूर मालकान ने हड़ताल करके सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था कि हम रोटी और नान सस्ता फराहम करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो गंदम सस्ती करे, मैदे का रेट कम करे, सुई गैस के बिल कम भेजे जाएं, बिजली के रेट कम किए जाएं। जब तक हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेती हम सरापा एहतजाज रहेंगे। जी।